अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्कीन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो पहले हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो देखो, सबसे फर्स्ट है, अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करें, ओके, तो आप देखोगे कि जो C1 से C4 तक के एल्कीन्स हैं वो तो होते हैं गैसियस फॉर्म में या गैसियस स्टेट में। C5 से लेकर C17 तक के जो एल्कीन्स हैं वो हैं लिक्विड्स, ऑयली लिक्विड होते हैं। C18 ऑनवर्ड्स, C18 या इससे ज्यादा कार्बन वाले जो एल्कीन्स हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड। ओके, सेकंड पॉइंट, आप देखोगे कि केवल एथीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एल्कीन्स हैं वो सब ऑर्डरलेस है, मींस उनमें कोई गंध नहीं होती। एथीन में एक प्लीसेंट स्मेल होती है, मींस रुचिकर गंध होती है, और जितने भी मेंबर्स हैं एथीन से लेकर हायर मेंबर्स तक सब जो हैं कलरलेस हैं। ओके, यही लिखा है कि एक्सेप्ट एथीन ऑल आर ऑर्डरलेस C2H4, मींस एथीन हैज प्लीसेंट ऑर्डर एंड ऑल आर द कलरलेस। समझ गए बच्चों कि केवल एथीन के अतिरिक्त सभी गंधहीन है। C2H4 में एक रुचिकर गंध होती है और सभी क्या है? रंगहीन है। ओके, यहां तक बात समझ गए। फिर आता है कि एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। समझ गए बच्चों कि जो एल्कीन्स हैं वो वाटर या कोई भी पोलर सॉल्वेंट लिया जाए उनमें इनसॉल्युबल है। क्यों है? क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन चेन रखते हैं और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एल्कीन्स में आपने देखे उन सब में ये सॉल्युबल है। समझ गए ना कि इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जल में एब्लेय है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट, इनके ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इनके करस्पॉन्डिंग जो एल्केन्स हैं, मींस एथीन का इथेन से, प्रोपीन का प्रोपेन से, ब्यूटीन का ब्यूटेन से, ये अपने करस्पॉन्डिंग जो एल्केन्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। रीजन है इनमें पोलर नेचर। एल्कीन्स पोलर होते हैं, मींस इनका अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, मेनली किस पे डिपेंड करता है? मॉलिकुलर अट्रैक्शन। और मॉलिकुलर अट्रैक्शन कहां पे होता है? जहां डाइपोल मोमेंट हो, जहां मॉलिक्यूल पोलर हो। तो ये देखोगे आप कि जो सिस एल्कीन है और ट्रांस एल्कीन है, अगर हम आइसोमेरिक एल्कीन्स की बात करें तो सिस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट ट्रांस एल्कीन के डाइपोल मोमेंट से तो ज्यादा होगा, और सिमेट्रिकल एल्कीन है तो ट्रांस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा। ओके, तो सिस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट होता है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उसके ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इस पर डिपेंड करता है। तो ट्रांस और सिस में ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और ज्यादा क्लोज पैकिंग किस में दिखती है बच्चों? ट्रांस में। तो ऐसे में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट उसके सिस आइसोमर से ज्यादा होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज, ये जो होती है इंक्रीजेस विद इंक्रीज मॉलिकुलर मासेस एंड हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। समझ गए ना कि जैसे जैसे एल्कीन्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और सॉरी इनके मॉलिकुलर मास इंक्रीज होते जाएंगे, आप देखोगे इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज वो सब बढ़ते जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना ड्यू टू, और इनके जो एल्केन्स करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, करस्पॉन्डिंग मतलब इनसे बनने वाला जो एल्केन है उससे कहीं ज्यादा रखते हैं, और ये पोलर नेचर के कारण होता है। इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, वही मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम आइसोमेरिक एल्केन्स की बात करें, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर, बिकॉज
बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द पोलर नेचर, डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किसके कारण होता है? डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में? ट्रांस के। एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांस आइसोमर का किससे ज्यादा होगा बच्चों? सिस आइसोमर से। इट इज ड्यू टू मोर पोलर नेचर इन सिस देन ट्रांस। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है। एंड गुड क्लोज पैकिंग इन ट्रांस देन सिस आइसोमर, ये मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों कि इनके गलनांक और पथनांक अणुभार बढ़ने से बढ़ते हैं तथा संगत एल्केन से अधिक होते हैं। समावयवियों में सिस का पथनांक ट्रांस से अधिक होता है, जबकि गलनांक की बात करें तो ट्रांस का सिस से अधिक होगा, क्योंकि सिस में ध्रुवीय गुण अधिक है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि ट्रांस में सममिति अधिक है इसलिए क्लोज पैकिंग अच्छी है। देखो यहां पे अगर हमने ये लिखा है सिस टू ब्यूटीन, ये क्या है बच्चों? सिस ब्यूट टू इन। ओके, तो सिस ब्यूट टू इन का जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है 0.3 डिवाइड। ये पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, हम इसको क्या बोलेंगे? ये है पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो पोलैरिटी है तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 277 केल्विन है। ट्रांस में नॉन पोलर है, ये क्या है? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। ओके, ऐसे तो कैंसिलेशन के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं 274 केल्विन, जो कि 277 केल्विन से कम। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट 134 केल्विन है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 167 केल्विन है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि इसमें जो क्लोज पैकिंग होगी वो ऐसी होगी, तो ये एक सिमेट्रिकल और बेस्ट क्लोज पैकिंग है, और ऐसे में ये ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि एल्कीन से फिजिकल से रिलेटेड है। ओके, और अगर कहीं ऐसा आता है कि कहीं ट्रांस सिस एल्कीन्स आते हैं तो ध्यान रखें कि सभी जगह ट्रांस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ये केवल तभी होगा जब एल्कीन सिमेट्रिकल हो। बस इतना सा ध्यान रखना है कि म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। अगर हम इसकी बात करें कि ये है हमारे पास एल्कीन, तब तो म्यू यहां पर जीरो था, बट आप ऐसी एल्कीन हो गई तब इसका म्यू जीरो नहीं होगा। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, वो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को टोटल कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, तो यहां तक नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, कि जो एल्कीन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है और इनमें किस टाइप की रिएक्शंस मिलती हैं। ओके, तो आप देखोगे कि जो एल्कीन्स हैं वो एल्केन्स से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसका रीजन क्या है कि जो एल्कीन्स हैं उनमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की जो ब्रेकिंग एनर्जी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो काफी कम होती है रिस्पेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड। एल्केन्स क्या है? बिल्कुल सैचुरेट है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, उनमें कहीं पोलर सेंटर नहीं है। ऐसे में रिएक्टेंट उनमें कहीं पर भी रिएक्टिविटी सेंटर फाइंड नहीं कर पाता। लेकिन जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का, ये बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है ये पाई बॉन्ड जरा सी एनर्जी में ही ब्रेक होता है और इलेक्ट्रोफाइल को अपने आप से ऐड कर लेता है। और यही रीजन है कि जो एल्कीन्स है वो रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। समझ गए बच्चों कि जो एल्कीन की क्रियाशीलता है वो एल्केन्स से ज्यादा है। कारण है पाई बॉन्ड दुर्बल होता है, आसानी से टूट जाता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह वर्क करता है। ओके, अब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और हमें किस बेस पर इनकी रिएक्टिविटी बतानी है? ये अकेला कोई एक फैक्टर नहीं है। एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ठीक है, स्टेरिक स्ट्रैंड है कि नहीं है, उनमें जो कार्ब कैटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और इन्हीं के बेस पर हम एल्कीन्स की डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और उनकी रिएक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। ओके,
than alkenes due to presence of weak pi bond. समझ गए बच्चों कि पीक जो weak pi bond है वो बहुत ही इजी क्या होता है which easily dissociated in the presence of electrophile. जैसे ही electrophile आया बहुत जल्दी break हो जाता है. तो ये इसलिए जो है reactive है. Alkenes समझते हो बच्चों एल्केन से अधिक क्रियाशील है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बॉन्ड शीघ्रता से वियोजित होता है. मींस यहां पर एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती है, इलेक्ट्रॉन सोर्स का वर्क करती है और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देती है. रिएक्टिविटी अब इनकी जो है किस किस पर डिपेंड करती है बच्चों, अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके, कि एल्कीन में कितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है. स्टैंड स्टैंड बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के चारों तरफ आते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जो कि एक साइक्लिक स्टेट बना के रिएक्शन का इंटरमीडिएट साइक्लिक स्टेट बनती है तो वहां पर ये विशेष इफेक्ट डालेगा. जहां पर कार्क कैटायंस बनेंगे वहां पर इसका बहुत विशेष इफेक्ट होगा. स्पेसिफिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्क कैटायन, जब रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्क कैटायन बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है. तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो अटैक होने के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो जो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में हो सकता है या कार्बन कैटायन, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों एल्कीन की उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी. मींस वो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा जिससे बनने वाला कार्बन कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो. तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में जब देखोगे, अभी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी है वो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन होता जाएगा एल्काइल ग्रुप का उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होती जाएगी एल्कीन. ओके, अभी हम देखेंगे. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक स्ट्रेंथ. अगर कोई रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोबोनेशन है, ये रिएक्शंस एक ट्रांजिशन स्टेट में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें एक सिस एडिशन होता है या सिन एडिशन, तो ऐसे में उनकी जो रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक स्ट्रेंथ से डिक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट को डबल बॉन्ड तक पहुंचने में इंटरफेयर होता है, स्टेरिक स्ट्रेन आता है. तो इस पर ये हिंडर स्टेरिक हिंडरेंस भी हम ये कह सकते हैं. ये क्या होता है? स्टेरिक हिंडरेंस. समझ गए बच्चों कि क्रियाशीलता अभिक्रिया माध्यम जो कार्बन कैटायन मुक्त मूलक है उसके स्थायित्व की समानुपाती होगी और प्रतिबिंब बाधा के व्युत्क्रमानुपाती. अब हम एक रिएक्शन से समझते हैं. देखो, आप देखोगे कि जो हाइड्रोजनेशन है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन्स की. काफी क्वेश्चंस हैं, हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होगी, उनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, किस किस में हमें एल्केन्स में भी वैसे हम पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स की प्रिपरेशन में. तो अब यहां पर हम आएंगे, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स. ओके बच्चों, कि एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण. देखो, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन कहीं पर भी हो ये है क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. समझ गए ना, किसका एडिशन होना, हाइड्रोजन का. और एल्कीन में जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड. समझ गए बच्चों, और उसे हम बोलेंगे यहां पर एल्कीन. मतलब एक प्योर एल्कीन ली जाएगी तो हमारे पास एक एल्कीन बनेगा. देखो कि ये है डबल बॉन्ड, ओके, ये प्लस एच टू, यहां पर कैटालिस्ट होगा जिसकी प्रेजेंस में चलेगी या फिर हाइड्रोजन सोर्स होगा. समझ गए ना कि हाइड्रोजन का स्रोत लेना होगा या फिर कैटालिस्ट को डायरेक्ट एच टू देनी होगी. तो आप देखोगे कि यहां पर एच एच ये है. और इसमें एनर्जी निकलती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी, एच, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. समझ गए बच्चों, हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी. अब यहां देखो बच्चों, यहां पर जो पाई बॉन्ड है, ओके, इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 40 किलो जूल पर मोल के आसपास की होगी, लगभग 83 किलो जूल पर मोल. और हम जानते हैं कि जो ये है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है 104 किलो कैलोरी पर मोल. समझ गए ना,
कि जो H2 है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है 104 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि इसकी कितनी है? तो आप देख रहे हैं कि टू तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, सॉरी एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक सिग्मा, यहां पर पाई बॉन्ड ओके ब्रेक होगा और यहां पर सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितनी एनर्जी लगी? 40 प्लस 104 मींस 144 किलो कैलोरी पर मोल टोटल ये एनर्जी होगी एब्जॉर्ब। ओके, अब यहां आ जाए फॉर्मेशन, आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ टू सी एच बॉन्ड्स, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी है सी एच की पर सी एच वो होती है 87 किलो कैलोरी पर मोल। तो टू बॉन्ड्स टू सी एच बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके तो दो सी एच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो कितनी हो गई? आप देखो 2 × 87 मींस 174 किलो कैलोरी पर मोल। तो टोटल हीट चेंज क्या हुआ, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन कुल ऊर्जा परिवर्तन। ओके, तो कुल ऊर्जा परिवर्तन आपने देखा कि यूज तो हुई 144 किलो जूल, रिलीज हो गई 174 किलो जूल पर मोल, तो -30 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रिलीज हुई पर पाई बॉन्ड के ब्रेक मतलब हाइड्रोजनेशन। ये क्या होगी बच्चों? HOH लगभग 120 किलो जूल पर मोल के आसपास। मतलब एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होता है तो जो एनर्जी चेंज आएगा ये लगभग 30 किलो जूल पर मोल का होगा। यही क्या है HOH हाइड्रोजनेशन एनर्जी पर पाई बॉन्ड की। अब आप कंपाउंड में जितने पाई बॉन्ड्स हैं उनका हाइड्रोजनेशन करा लो, कितनी एनर्जी थ्योरेटिकली कितनी निकली और एक्चुअल कितनी आ रही है एल्कीन या इससे रिलेटेड कंपाउंड्स में, अगर उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों कि एक्चुअल कितनी होनी चाहिए पाई सॉरी कितनी आ रही है और थ्योरेटिकली कितनी होनी चाहिए, अगर इनका कोई डिफरेंस आता है तो ये एल्कीन में रेजोनेंस को बताएगा, या हम ये कहें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में रेजोनेंस को बताएगा, अभी मैं आगे बताता हूं आपको। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि एल्कीन का जो हाइड्रोजनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज हुई और वो है HOH जो कि लगभग 30 किलो कैलोरी पर मोल पाई बॉन्ड की या 100 ठीक है 120 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चेंज हुआ। अब यहां देखो बच्चों जो हाइड्रोजनेशन है, यहां पर जो हम यहां देखेंगे कि जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट में एक तो होता है निकेल H2 के साथ लगभग 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत हो, अगर हम पीटी या पीडी का यूज करते हैं तो रिएक्शन जो है रिडक्शन जो है ठीक है या हाइड्रोजनेशन जो है बच्चों वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। किसमें हो जाता है? रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन सोर्स के रूप में देखें, इसके अलावा एक होता है ब्लिकिंस ब्लिकिंसन कैटालिस्ट, इसका भी यूज होता है हाइड्रोजनेशन में ठीक है, ब्लिकिंसन ब्लिकिंसन कैटालिस्ट। ध्यान रखें कि ये जो है एक क्या है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या है बच्चों? ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्यों? क्योंकि इसमें ये सॉलिड होते हैं एल्केन्स या तो लिक्विड या गैस के फॉर्म में है, तो विल्किंसन कैटालिस्ट ये होता है RHCl ठीक है, ये इसमें जो है और CH3P ट्राइफेनिल फॉस्फीन ओके ये ऐड रहता है इनके साथ और इसको हम बोलते हैं ये है हमारा, तो ये है विल्किंसन कैटालिस्ट और ये देता है होमोजीनियस कैटालिसिस। कैसी कैटालिसिस करता है? होमोजीनियस कैटालिसिस। तीसरा साइक्लोहेक्सीन का भी यूज हो सकता है, ये क्या है साइक्लोहेक्सीन, ये चेंज हो जाती है बेंजीन में इसलिए एक अच्छा H2 सोर्स की तरह वर्क करती है
NH2 NH2 ये N2 plus 2H2 यहाँ पर ये N2 में चेंज होता है जो कि स्टेबल है इसलिए एक हाइड्रोजन सोर्स की तरह वर्क करता है मतलब 4H ठीक है यहाँ पर 4H इस तरह से इसके अलावा C2H5OH और Na ठीक है वर्च रिडक्शन है इनका भी यूज होता है वर्च रिडक्शन तो ये भी एक अच्छे हाइड्रोजन सोर्स है समझ गए ना तो इनका भी तो साइक्लोहेक्सीन हो गया विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया इसके अलावा निकल पीडी हो गए ये सब जो है इसमें हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं बच्चों अब हम आ जाते हैं कि यहां पर जो हाइड्रोजनेशन है उसका मैकेनिज्म क्या है और ये किस तरह का एडिशन है ओके विल्किंसन कैटलिस्ट का और भी अच्छे से फॉर्मूला देख लेना ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है विल्किंसन के और भी मैं आगे बता दूंगा इसके बारे में तो यहां पर हम मैकेनिज्म की बात करें बच्चों ओके तो मैकेनिज्म में आप देखोगे कि H2 का सिन एडिशन होता है सिन एडिशन का मतलब है एक ही और एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की जैसा रिएक्शन होता है मींस देखो कैसे कि यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH ओके और ये आ गए H तो उस समय के लिए ऐसा एक क्या हो जाएगा H के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है ऐसा ठीक है ये कौन सा एडिशन होता है सिन एडिशन और ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट कुल मिलाके ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं आप यहां पर 4 पाई बॉन्ड्स होते हैं एक दो इलेक्ट्रॉन इसके दो इसके और ये साइक्लिक रिंग और फिर यहां से ये H और ये H1 प्लस हाइड्रोजनेशन एनर्जी लगभग 30 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी चेंज होता है तो यहां पर हाइड्रोजन का सिन एडिशन तो ध्यान रखें कि रेट जो है रेट ऑफ हाइड्रो जिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस समझ गए बच्चों कि जो त्रिविम बाधा है ना उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से तो ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा इससे तो आप देखोगे कि CH2CH ओके CH3CH यहां और अगर हम इसमें देखें कि जो हाइड्रोजनेशन का रेट है वो क्या होगा ये कि यहां पर बिल्कुल भी त्रिविम बाधा नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है यहां पर एक एल्काइल ग्रुप आ गया और यहां दो आ गए दो साइड इसमें एक साइड ही दो आ गए तो ट्रांजिशन स्टेट बनने में स्टैटिक हिंड्रेंस आता है तो ये है हाइड्रोजनेशन रेट ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा स्टैटिक स्ट्रेन होता है उतना ही कम रेट से हाइड्रोजनेशन चलता है समझ गए ना तो ये हाइड्रोजनेशन का रेट होता है बच्चों यहां तक समझ गया हाइड्रोबोरेशन में भी इसी तरह के इफेक्ट आता है ये था इनके अब हम आएंगे यहां पर हाइड्रोजनेशन एनर्जी के बारे में बच्चों काफी क्वेश्चन हैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे एल्कीन्स के और पूछा जाता है कि HOH का ऑर्डर क्या है तो HOH ठीक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये तो ये क्या होती है कि हीट रिलीज्ड released during hydrogenation of one mole of alkene समझ गए बच्चों कि जब alkene के one mole का hydrogenation हो तो एक mole alkene के hydrogenation की उत्पन्न ऊष्मा यही है HOH मींस हम ये कहें कि ये है डबल बॉन्ड प्लस H2
और क्या बन गया ये H H H प्लस H O H। मैंने अभी आपको बताया कि H O H जो है माइनस 30 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास का होता है पर पाई, और लगभग इसको हम लिखते हैं 120 किलो जूल पर मोल एक पाई बॉन्ड। अब एल्कीन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं ओके, तो उस पर डिपेंड करती है हाइड्रोजनेशन एनर्जी। यहां पर आ जाते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि HOH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/, ऐसा याद रखना है स्टेबिलिटी, और यहां पर रखना है पाई बॉन्ड्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर आइसोमेरिक है तो इस बेस पर देखेंगे, और अगर आप मान लो उसमें पाई बॉन्ड्स के बेस पर देखोगे तो ये मींस यहां पर अगर हम ये कहें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH2, तो अगर यहां पर HOH आप देख रहे हैं कि 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो HOH 120 किलो जूल पर मोल है, तो यहां कितनी हो जाएगी बच्चों 240 किलो जूल पर मोल। तो पाई बॉन्ड अगर एल्कीन्स में बढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि HOH पाई बॉन्ड्स के साथ बढ़ेगी, और अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात की गई हो कि अगर आइसोमेरिक एल्कीन्स दिख रखे हैं आपको और फिर आपसे पूछा गया है कि इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी का ऑर्डर बताएं, तो आप वहां पहले एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करो, बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दो आप उनकी क्या हाइड्रोजनेशन एनर्जी। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या है। यहां पर आपको एल्कीन्स दे रखे हैं, सपोज एक एल्कीन ये है आइसोब्यूटीन में, एक एल्कीन ये है और एक एल्कीन ये है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। यहां पर आप देखो कि यहां ये है ट्रांस, ये है सिस और ये है आइसोब्यूटीन। अगर यहां पर आप आ जाए अल्फा सी एच बॉन्ड्स, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन। यहां पर आ जाए तो यहां पर भी अल्फा सी एच कितने हैं बच्चों 6। अब आता है कि इन दोनों में और इसमें भी चले जाओ अल्फा सी एच, तो यहां पर भी 6 है। अब आता है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, तो ध्यान से देखो आप कि ये एल्कीन और इन दोनों में तो आप जानते हैं कि ये ट्रांस है ये सिस है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस से। अब इन दोनों में कंपेयर कैसे करोगे, तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे कि 1 डिग्री ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन ओके फॉर्म 1 डिग्री एनायन बनेगा ना बच्चों, यहां पर 1 डिग्री एनायन बनेगा और यहां पर अगर आप चले जाए तो यहां पर होगा फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एनायन। कैसे देखो यहां पर अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन लोगे तो यही लोगे ना H H, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये है सी एच टू, ये बॉन्ड इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो आपने देखा कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहां पर आ जाएगा ऐसा, समझ गए ना कि ये है सी एच, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है 1 डिग्री एनायन। और यहां की बात करें अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करोगे तो ये बनेगा 2 डिग्री एनायन, तो 1 डिग्री एनायन मोर स्टेबल, 1 डिग्री एनायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एनायन। तो आप ध्यान रखें कि अगर हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी जिसमें 1 डिग्री एनायन बन रहा हो हाइपर कॉन्जुगेशन में और 2 डिग्री एनायन का स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम यहां पर अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा, देखो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखो क्या होगा, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल फिर 2 और फिर सबसे कम स्टेबल था, तो HOH का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट इससे ज्यादा 2 इससे ज्यादा 3।
मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन एनर्जी इसकी, उससे कम इसकी, इससे कम इसकी। यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने बता दिया कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन होने से 1 डिग्री एनायन बनेगा, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होने से 2 डिग्री एनायन बनेगा, 2 डिग्री एनायन लेस स्टेबल देन 1 डिग्री एनायन, सो देयरफॉर आइसोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस टू ब्यूटेन। ट्रांस सिस में तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी हुई, फर्स्ट, उससे कम स्टेबल सेकंड और थर्ड, तो HOH। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें हमें HOH का ऑर्डर डिटरमाइन करना है। काफी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी क्वेश्चन नीट है, जेईई मेंस में आते रहते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करोगे, आप देखोगे बहुत सारी बुकलेट्स मिलेंगी जहां पर HOH HOC इनका ऑर्डर पूछा जाता है। ओके, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताता हूं, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको ये मैंने कुछ एल्कीन्स लिखी, अब आपको इनमें हाइड्रोजनेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है कि किन में ज्यादा है किन में कम। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एल्कीन की HOH उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी कैसे देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन देखें और रेजोनेंस इफेक्ट देखें। अगर किसी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, और किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है बट रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखें, चाहे कितनी भी हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन क्यों ना हो, इस बेस पर एल्कीन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करें और फिर उसका उल्टा कर दे तो HOH निकलेगा। देखो कैसे, सबसे फर्स्ट हम इसमें आते हैं। अब इसमें देखो आप, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो यहां पर 4 अल्फा एच, रेजोनेंस नहीं है, यहां पर केवल और केवल कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ रहे हैं, 1 2 3 4 यही बोल, हाइड्रोजन ही तो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। यहां आ जाए तो देखो आप, ये और ये, और यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां, तो अगर आप देखें तो 10 अल्फा सी एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो ओके। यहां आ जाए तो 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 3 अल्फा एच। यहां आ जाए, यहां देखो आप, 3 यहां पर है अल्फा सी एच, 2 यहां पर है अल्फा एच, और यहां पर 2 अल्फा एच, तो 7 अल्फा एच। आप अच्छी तरह से समझ गए हो कि इसमें 4, इसमें 10, इसमें 3, इसमें 7। तो सबसे अगर हम इनको ए बी सी और डी लें, तो अब आपको यहां रेजोनेंस का कोई फैक्ट नहीं है। ओके, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा सी एच हाइपर कॉन्जुगेशन वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हुआ बच्चों, बी। ओके, फिर क्या आ जाएगा, डी। ये कौन सा ऑर्डर बता रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि ये बी है फिर डी। अब इन दोनों में देखो, इसमें 4, इसमें 3, तो फिर क्या आ जाएगा, ए, और सबसे कम स्टेबल क्या हुआ, सी। फिर से देखिए, सही है बिल्कुल, बी सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि 10 है, फिर 7 वाला, फिर 4 वाला, ए बी और सबसे कम। तो अब HOH का ऑर्डर देखो क्या आ जाएगा, बी इससे ज्यादा, डी इससे ज्यादा, ए इससे ज्यादा, सी, ये इनकी HOH का ऑर्डर है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अब हम इन चार में आते, तीन में आते हैं, ए बी और ये है सी। यहां पर देखो बच्चों, अगर आप H देखें, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, तो दो ये है, दो ये है, तो इसमें 4 अल्फा एच है, ए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो गई होगा। ओके, दूसरा आप देखो, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो इसमें रेजोनेंस भी है। ये दो चीजें दिख रही हैं, अल्फा 4 एच और रेजोनेंस। यहां आ जाए, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच, अगर आप इसमें आते तो 4 अल्फा एच है, मींस हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस हो सकता है क्या, नहीं, तो रेजोनेंस नहीं है। ओके, इसमें चले जाओ, यहां पर पाई बॉन्ड है केवल, ना तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन
ये क्या है बच्चों, एब्सेंट है। रेजोनेंस भी क्या है, एब्सेंट है। तो अब आपको पता चल गया कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि इसमें अल्फा चार है और रेजोनेंस भी है। इसमें केवल अल्फा चार है, रेजोनेंस नहीं है। इसमें ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन है और ना ही रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछें, समझ गए, तो इनकी स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए। फिर उससे कम स्टेबल क्या हुआ, बी। फिर उससे कम स्टेबल क्या हुआ, सी। यही हुआ। तो HOH का ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, ए फिर बी फिर क्या, सी। यहां तक बहुत अच्छी तरह से समझ गया हो गया कि इनकी स्टेबिलिटी देख लो कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये था, उससे कम स्टेबल उससे कम, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया, जस्ट उल्टा कर दी तो HOH का ऑर्डर आ गया। अब मैं यहां से ये हटा देता हूं, ये तो आप अच्छी तरह समझ ही गए। इनको अब हम डिटरमाइन करते हैं, जो हमारे और अच्छे ऊपर में देखो आप, इनमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। ये है डबल बॉन्ड, ये 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 ये, तो 6 और 4 10, 10 अल्फा, ठीक है, आप देख रहे हैं एच, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें चले जाओ यहां पर, तो यहां एच है, यहां एच है और यहां पर एक एच है, 4 और ये मिला के कितने हो गए बच्चों, 5। तो यहां पर है 5 अल्फा एच, यहां 10 थे, यहां 5, समझ गए ना, 4 ये हो गए और एक ये कर सकता है, ये तो बहुत दूर हो गए, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो 5 हो गए। इसमें आ जाओ तो यहां और यहां, तो इसमें कितने हैं, 3 अल्फा एच, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब आप इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो कि ये है ए, ये है बी और ये है सी, सबसे ज्यादा स्टेबल ए, 10 फिर 5 फिर 3 तो फिर बी फिर सी। तो एच को एच ऑर्डर देखो, ए फिर बी फिर क्या आ जाएगा, सी। तो ये है हाइड्रोजनेशन एनर्जी फॉर, ठीक है, इनमें आके आके देखिए आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं अभी आपको, यहां केवल और केवल इसका इफेक्ट दिख रहा है HO इस वाले। अब यहां आ जाओ बच्चों, इसमें देखो आप सबसे फर्स्ट में कि अल्फा एच कितने हैं, यहां से अगर आप देखें और यहां देखें आप, तो 2 4 6, मतलब 6 तो ये हो गए 10, तो इसमें 10 तो अल्फा एच मींस हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा, ओके। एक दूसरा आप देख रहे हैं कि यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट भी, ओके, पहला पॉइंट। इसमें आ जाओ, ये है आपके पास यहां पर, तो देखो इसमें रेजोनेंस तो नहीं हो सकता, बट यहां पर अगर अल्फा एच देखें तो वो कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2, और यहां से देखें तो 3, तो 3 अल्फा एच, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस जो है एब्सेंट है। यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से, इनमें आ जाओ। अब इन दोनों में आ, यहां और यहां आए हो जाए, यहां पर आओगे तो अल्फा एच कितने हैं देखो, 1 2 3 3 हो गए, रेजोनेंस भी है, ओके। यहां आ जाए तो 1 2 2 2 2 और ये 3, तो 7 अल्फा एच है बट रेजोनेंस एब्सेंट है। तो ध्यान रखें कि रेजोनेंस इफेक्ट अगर कहीं आता है तो चाहे कितने भी अल्फा एच क्यों ना हो, रेजोनेंस इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर आप यहां पर आ जाए सबसे फर्स्ट वाले में, ये था हमारा पहला ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, तो आपने सब कुछ देख लिया यहां पर, रेजोनेंस इफेक्ट और अल्फा। तो इस वाले में सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, ए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। इन दोनों को छोड़ दो, यहां पर केवल अल्फा एच है, इस वाले में रेजोनेंस एब्सेंट है, यहां पर अल्फा एच है, रेजोनेंस एब्सेंट, इसमें अल्फा एच भी है, रेजोनेंस। तो ध्यान रखें दूसरे नंबर में स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा, सी, रेजोनेंस ही इंपॉर्टेंट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रीडोमिनेंट। अब इन दोनों में बी और डी में, इसमें अल्फा एच है 3 और इसमें है 7, तो फिर क्या स्टेबल होगा, डी, और
और फिर इसमें आ रहा होगा बच्चों बी। फिर से देखते हैं स्टेबिलिटी में, ए सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि अल्फा एच 10 है, रेजोनेंस इफेक्ट। फिर मैंने सी क्यों लिया, क्योंकि यहां अल्फा एच भी है, रेजोनेंस तो रहे भले इसमें से अल्फा एच इसके रिस्पेक्ट में इसमें कम है लेकिन इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है, तो सी नंबर की स्टेबिलिटी आ जाएगी। इन दोनों में आप देखो इसमें तीन अल्फा है, इसमें रेजोनेंस तो दोनों में एब्सेंट है, इसमें भी रेजोनेंस क्या है, इसमें आ रहा है रेजोनेंस इस वाले में, तो हमने कौन सा ऑर्डर ले लिया, ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। तो आपने देखा कि इसमें बी और डी में, तो बी और डी में, डी में जो है कितने हैं 7 अल्फा, इसमें 3, तो ये हो गया, तो डी और फिर सबसे कम स्टेबल होगा क्या बी। तो एच ओ एच का ऑर्डर क्या होगा, ए फिर सी फिर डी और फिर बी, ये हो गया इसका ऑर्डर, समझ गए ना। तो ये ऑर्डर है एच ओ एच का। तो यहां तक आप बात समझ गए होगे अच्छी तरह से कि आप एच ओ एच कैसे निकाले। अब एक और चीज बता दूं मैं, यहां आ जाता है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, कि आपको रेजोनेंस एनर्जी जो है अगर आपसे पूछी गई हो तो कैसे डिटरमाइन करें, ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। अब देखो बच्चों, अब क्या होता है कि जिन कंपाउंड्स में एल्कीन रेजोनेंस करता है, मतलब डबल बॉन्ड क्या करता है, रेजोनेंस करता है, तो वहां पर जो एक्चुअल हाइड्रोजनेशन एनर्जी है ना, वो जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आएगी, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी, जो एक्चुअल वैल्यू है वो अलग होगी और थ्योरेटिकल वैल्यू अलग होगी। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं यहां बताऊं, अगर हम इस तीनों को देखें, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, एक डबल बॉन्ड है, हम जानते हैं कि HOH एक डबल बॉन्ड की 120 किलो जूल पर मोल होती है, यहां दो हो गए तो थ्योरेटिकल कितनी हो गई माइनस ये, और यहां तीन हो गए तो थ्योरेटिकल कितनी हो गई -360। ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, अगर डबल बॉन्ड का कोई रेजोनेंस ना हो तो एक डबल बॉन्ड के बेस पर आपने निकाला, लेकिन एक्चुअल में ये आती है, एक्चुअल में इसकी 120 किलो जूल ही मिलती है, इसकी मिलती है -232 किलो जूल, और ये जो है आप देख रहे हैं पर मोल में बेंजीन की है -208। पर पाई बॉन्ड की एनर्जी देखो, अगर आप देखें तो पर पाई बॉन्ड की HOH कितनी है पर पाई बॉन्ड की, तो ये है 120, इसकी है 116 और इसकी है -69 किलो जूल पर मोल। अगर आप इस HOH के बेस पर स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा बेंजीन, क्योंकि जितनी कम HOH कंपाउंड उतना ही स्टेबल, इसका मतलब है कि बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल है इन दोनों से, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण है। तो बेंजीन इस बेस पर भी सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है HOH, तो आप कितने भी पाई बॉन्ड हो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें तो वो एक्चुअल में क्या आ गई पर पाई बॉन्ड की, ये जो है ये क्या है बच्चों एक्चुअल, ठीक है HOH पर पाई बॉन्ड, तो बेंजीन की सबसे कम है इसका मतलब बेंजीन। अब आता है रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो रेजोनेंस एनर्जी मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है और एक्चुअल वैल्यू क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ HOH, एक्चुअल वैल्यू ऑफ HOH। तो देखो यहां पर बेंजीन ये है साइक्लोहेक्सीन, एक्चुअल भी उतनी है और ठीक है, यहां पर आपने देखा माइनस माइनस है तो ये कितनी हो गई 0, इसमें चले जाए ये है एक्चुअल 240 माइनस में और जो सॉरी ये है क्या थ्योरेटिकल और जो एक्चुअल वो ये है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है -8 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर आप यहां जाएं तो यहां पर आप देख रहे हैं -152, तो भी यहां पर रेजोनेंस और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी, इसका मतलब यहां पर भी बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने का भी एक HOH के थ्रू हम रेजोनेंस एनर्जी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि कंपाउंड जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन का, उसकी एनर्जी अपने सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इतनी कम होगी, मींस वो स्टेबल होगा। तो मैंने आपको HOH को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका ऑर्डर क्या है, HOH की मैक